आज हमारे मेहमान हैं 1956 बैच के आईपीएस ऑफिसर प्रकाश सिंह। सर, आपको बाबरी के पहले आपको हटा दिया जाता है, कुछ समय बाद बाबरी विध्वंस होता है, उसके बाद आपको वापस बुलाया जाता है कि प्रकाश सिंह को रखना पड़ेगा कुछ दिन यहाँ पे। क्या स्थिति हो गई थी उत्तर प्रदेश में? अयोध्या में जहाँ तक राम मंदिर बनने की बात है, दिल से तो मैं भी चाहता था कि राम मंदिर बने। जब आप वर्दी में थे तब? वर्दी में थे तब भी, परंतु मैं ये भी जानता हूँ कि जब मैं वर्दी में हूँ तो सबसे बड़ा मेरा धर्म क्या है, रूल ऑफ लॉ को इन्फोर्स करना। वर्दी उतार दो, उसके बाद तुम जाओ जो मर्जी हो करो। तो आपने वर्दी में से क्या किया था कि कल्याण सिंह को अच्छा नहीं लगा? सुरक्षा व्यवस्था के बारे में वो लोग को ढील देना चाहते थे, मैंने कई जगह ढील देने को मैं राजी हो गया। लाठी चलवाई आपने? कुछ जगहों में मैंने आपत्ति की, वो उन लोगों को नागवार लगा। ऐसी एक एक्शन को बहुत कंट्रोवर्शियल माना जाता है, नाम पड़ गया मुलायम सिंह यादव का, मुल्ला मुलायम। आपको क्या लगता है कि क्या मुलायम सिंह के इंस्ट्रक्शंस पे गोली चली थी? मुलायम सिंह का इन्वॉल्वमेंट तो था ही, मुलायम सिंह को कर सेवक से कोई मोहब्बत नहीं थी, उनका आदेश हो या ना हो उनकी सहमति जरूर रही होगी। आपको ऐसा लगता है कि उन्हें कोई दूसरा अप्रोच ले सकते थे, लेना चाहिए था? गोली चलाने की तो लास्ट रिजॉर्ट होता है जब तक कोई क्राउड हिंसात्मक ना हो। मतलब आप मान रहे हैं कि उसको दूसरे तरीके से डील किया जा सकता था? बिल्कुल डील किया जा सकता था। सबसे ज्यादा आपको क्या प्रॉब्लम नजर आई थी जिस तरह से हिंदुस्तान में पुलिसिंग हो रही थी, जो आपने फिर फाइनली 96 में तो सुप्रीम कोर्ट में आपने PIL ही डाल दी? कितने भी सुधार की बात करिए, कितने भी परिवर्तन की बात करिए, वो या तो पॉलिटिकल लेवल पे या एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल, ब्यूरोक्रेटिक लेवल पे वो शूट डाउन हो जाती हैं। सर, आप लोगों ने जो मेहनत की, आपने 60 डायरेक्टिव निकले उसमें से, स्टेट सिक्योरिटी कमीशन बनना चाहिए, मेरिट के आधार पे DGP को लेना चाहिए, आप ये भी कहते हैं कि कंप्लेंट अथॉरिटी भी बननी चाहिए जिसमें आप लोग अगर कोई पुलिस से नहीं सेटिस्फाइड है तो वो शिकायत कर सके, किसी भी ब्रांड की पॉलिटिकल पार्टी ने इसे लागू नहीं किया। किसी जमींदार से आप ये कहिए कि भैया जमींदारी एबोल्यूशन एक्ट का पे साइन कर दो, साइन करेगा? नहीं करेगा। पुलिस तो एक तरह से शासन की जिम्मेदारी हो गई है। क्या आपको ऐसा लगता है कि ये जो 60 डायरेक्टिव्स आपके हैं वो आप लागू होते हुए देख पाएंगे? देखिए, एक प्रधानमंत्री के दिमाग में बसाने की बात है, जिस दिन मोदी जी के दिमाग में आ गया कि ऐसा होना चाहिए, वो हो जाएगा, उसी दिन हो जाएगा। कभी आपने उनसे इल्तिजा की कि सर ये थोड़ा सा देखिए पुलिस रिफॉर्म? नहीं, मैंने कोशिश की मिलने की, मुलाकात होने का सौभाग्य मुझे नहीं प्राप्त हुआ। दो डेथ्स के ऊपर खूब चर्चा हुई, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, और इनकी डेथ को क्वेश्चन भी खूब किया जाता है। अब इनकी डेथ को अगर क्वेश्चन है तो उसमें मेरे ख्याल में जुडिशियल इंक्वायरी भी हुई है, मजिस्ट्रियल इंक्वायरी भी हुई है, इनकाउंटर में कुछ गलती नहीं है तो फिर उस बात को वहीं समाप्त कर दिया जाए। सर, आपके करियर में तो वो फेज नहीं रहा, लेकिन अब जो IPS और IAS आ रहे हैं उनमें एक रील का कल्चर बहुत है। नेवर सीक पब्लिसिटी, नेवर कल्टिवेट द प्रेस। आपके एक्शंस अगर अच्छे हैं तो प्रेस आपके पीछे भागेगा। पुलिस का और जो वकील होते हैं उनका झगड़ा हो जाता है कई बार। झगड़े के आप 20 दृष्टांत निकाल लीजिए हिंदुस्तान के, हर दृष्टांत में पुलिस दंडित होती है, चाहे पुलिस का काम कितना भी सही हो। आज की तारीख में वकील का वर्ग एक ऐसा है जो अपने आप को सामान्य कानून के परे समझता है। पाला पड़ा सर ऐसा किसी वकील से आपका कि? नहीं, झगड़ा तो नहीं हुआ है, वकील मेरी बड़ी इज्जत करते हैं, मैं यही कहूँगा। कौन से पात्र से आइडेंटिफाई करते थे सर फिल्मों में? शोले देख करके ठाकुर वाला कोई फीलिंग आती थी, अपराइट ऑफिसर, हाथ भी कटवा देगा। लेकिन मैं तो मरने को तैयार था हाथ कटवाने का, मैं तो नागालैंड में अपने वहीं अंत्येष्ट क्रिया करने को तैयार था। दूसरा कोई नहीं कहता प्रकाश सिंह तुम भाग आए, तो कहते भाई अच्छा है तो DIB ने तुम्हें पोस्टिंग दी, तुम चले आए दिल्ली। पर मैंने कहा मैं अपनी नज़र में गिर जाऊंगा कि प्रकाश तुम डर गए।